हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी होली सबको। रंगों से खेलो पर पक्के कलर से मत खेलना। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे और आपके चैनल टेक्निकल एनवीजे में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा जो नया अपडेट आया है और नेक्स्ट अपडेट रेडमी नोट 4 को कब आने वाला है। तो वीडियो को देखते रहना, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, और अटेंडेंस लगा देना, मतलब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, हो सके तो डिसलाइक मत करना। तो हम तो बात चलिए आज हम आज के टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नए अपडेट की, तो वो है 9/3/21, मतलब कल आने वाला है फ्राइडे को, और ये बीटा अपडेट है। और रेडमी नोट 5 प्रो और रेडमी वाई 2 में आपको ड्यूल वोल्टी मिलेगा। लास्ट अपडेट अगर किसी ने मिस कर दिया, अगर किसी ने नहीं किया है बीटा वाला, तो उनको ड्यूल वोल्टी मिल जाएगा। और साथ में एंड्रॉयड पाई का अपडेट भी मिलेगा आपको, ये नोट नोट कर लीजिए आप। और साथ में एक नई सेटिंग मिलेगी आपको, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, मतलब आपको बैटरी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए या फिर स्क्रीन की लेआउट को चेंज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा सेटिंग मिलेगी। तो वो आने के बाद पता लगेगी कि कैसी सेटिंग है, वो ऑप्टिमाइजेशन की गई है, बग्स को फिक्स किया है, मतलब बड़े बड़े बग्स को भी फिक्स किया उन्होंने। और साथ में फेस अनलॉक इन ऐप लॉक भी आपको मिलेगा, मतलब फेस अनलॉक, आप कोई ऐप को अनलॉक करते हो फिंगरप्रिंट और पैटर्न से, आप साथ में फेस लॉक भी को भी अनलॉक कर सकते हो, ये अच्छी बात है। साथ में आपको 1 मार्च का सिक्योरिटी पैच मिलेगा। तो ये थी न्यूज़ 9/3/21 के बारे में। और नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडमी नोट 4 के अपडेट के बारे में, जो रिसेंटली हमें रेडमी नोट 5 प्रो, रेडमी वाई 2, रेडमी 5A सभी डिवाइसेस में एक नया अपडेट रोल आउट हुआ है 9.2 का। तो नोट 4 की बारी भी आने वाली है आपको, हो सकता है 1-2 वीक के अंदर अंदर, हो सकता है कल परसों, कभी भी अपडेट आ सकता है। प्लीज़ चौकन्ने रहिए, और जब भी अपडेट आए मुझे बता देना वीडियो के नीचे, किसी वीडियो के नीचे मुझे मालूम हो जाएगा और वो न्यूज़ मैं सबको बता दूंगा, ताकि किसी का नुकसान ना हो। मतलब कहने का ही कि अगर अपडेट आया है तो उनको मालूम जल्दी होना चाहिए, अदरवाइज़ अपडेट चला जाता है। आपको मालूम है कि आधा घंटा 2 घंटे ही रहता है अपडेट, तो फिर 1 वीक के बाद आता है। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फाइल से भी कर लो, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भी फाइल से ही करता हूँ अगर अपडेट चला जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मैंने आपको बता दिया नोट 4 के अपडेट के बारे में, कभी भी आ सकता है, और ये नया अपडेट 9/3/21। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।